प्यारे साथियों, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है, इसको कैसे हम निकालते हैं, ये बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इसमें सबसे पहले आता है मूलधन, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसे हम डिनोट करेंगे पी से। इसके बाद आता है समय, टाइम, इसको डिनोट करते हैं हम टी से। और इसके बाद आता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको डिनोट करते हैं हम आर से। क्लियर? अब ये मूलधन प्रिंसिपल क्या होता है, हमने कोई पैसा या कोई धन किसी बैंक से, किसी अन्य पुरुष से उधार लिया, तो उसको बोलते हैं हम मूलधन प्रिंसिपल। जितने समय के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, वो हो जाएगा हमारा टाइम। अब आता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम प्रतिशत में। अब ये क्या होता है परसेंट, इसको समझना जरूरी है, इसका होता है प्रतिशत, प्रतिशत। अगर इसको तोड़ें, ये हो जाएगा प्रति प्लस सत, प्रति होता है हर एक, और सत मीन्स होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 रुपए पर हम कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2 रुपए ले रहे हैं, 3 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए ले रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा ब्याज की दर। माना किसी ने ये कहा कि हम पैसा देंगे 5% ब्याज पर, तो 5% का मतलब होता हो गया कि प्रत्येक 100 रुपए पर वो लेगा 5 रुपए ब्याज के। क्लियर? टाइम जैसे मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, वो उसके हिसाब से लिया जाएगा। ऐसे ही अगले वाले 100 रुपए पर फिर से 5 रुपए लेगा, तो ये हो गया हमारा परसेंट का मतलब, 5%, 10%, 6%। क्लियर? इसमें सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम SI, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100, मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्लियर? अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमारा क्वेश्चन है, ₹400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। इसके लिए हम डायरेक्ट डालेंगे रुपए का, यहां भी रुपए ये अमाउंट लिखा है, संख्या लिखी है हमारी, इसके पीछे का शब्द लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। इसको कर देंगे हम P=₹400, 10% वार्षिक, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ, वार्षिक का मतलब होता है ईयर, ठीक है, तो एक साल का, 1 ईयर का 100 रुपए पर हमें इंटरेस्ट देना है 10 रुपए, इसका मतलब ये हुआ एक साल में 100 रुपए पर हमको देना है 10 रुपए एक्स्ट्रा। क्लियर? जैसे हमने 100 रुपए लिए किसी से एक साल के लिए, तो जब एक साल के बाद उसको रिटर्न करेंगे तो हम करेंगे 100 रुपए, तो वो करेंगे जो हमने लिया था उससे, कि 10 रुपए हो गया उसका इंटरेस्ट का, तो हमको टोटल वापस करना पड़ेगा 110 रुपए। क्लियर? ये हमको उसको वापस करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया हमारा अमाउंट, इसको बोलते हैं हम मिश्रधन।
मिश्रण अमाउंट जितना पैसा हमने वापस किया उसको बोलेंगे हम अमाउंट, और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ऐसा ही बोलेंगे इसको, तो इसको करेंगे हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जितना पैसा वापस किया, प्रिंसिपल जितना पैसा हमने लिया, तो हमने लिया यहाँ 100 रुपए यहाँ माना, तो हमने वापस किया उसको 110 और लिया था हमने 100 रुपी, तो हो गया 10 रुपी, 10 रुपी हो गया उसका ब्याज का। तो ये हो गया हमारा वार्षिक का मतलब, क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया 10 रुपी और टाइम हो गया यहाँ 2 ईयर, इसीलिए देयर फोर सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी हो गया हमारा 400 मल्टीप्लाई आर हो गया 10% इंटू टाइम हो गया 2 ईयर अपॉन 100। दूसरे जो कट जाएंगी क्या होता है 4 × 10 × 2 = 4×8 और 8 × 10 = 80। ये 80 रुपीज हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट, कहने का मतलब 80 रुपए उसके ब्याज के बन गए और उसने लिए थे 400 रुपए। तो 2 साल के बाद वो लौटाएगा, उसको बोलेंगे अमाउंट मिश्रण इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, इसको बोलेंगे हम अमाउंट। तो प्रिंसिपल था हमारा 400 रुपी प्लस एसआई था 80 रुपी, तो ये हो गया हमारा 480 रुपी। इतना पैसा वो 2 साल के बाद वापस करेगा, क्लियर। इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सारा ब्याज हो गया हमारा 80 रुपी। अब हम इसी क्वेश्चन में सारा ब्याज निकाल के निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कैसे निकालेंगे ये समझ लो। जैसे हम लिखे यहां 400 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 400 रुपी फॉर 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू पी हो गया हमारा 400 इंटू आर हो गया 10% इंटू टाइम हो गया 1 ईयर अपॉन 100 जो कट गया इक्वल टू 4 × 10 इक्वल टू 40 रुपी ये आ गया। ये हो गया हमारा 1 साल का साधारण ब्याज, क्लियर। इसीलिए 1 वर्ष का मिश्रण अमाउंट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा 400 प्लस 40 इक्वल टू 440 रुपी ये हो गया। 1 वर्ष के बाद यदि वो पैसा वापस करना चाहे तो उसको वापस करना पड़ेगा 440 रुपए, क्लियर हो गया। ये पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल, पहली वर्ष के लिए तो ये हो गया अमाउंट मिश्रण, और नेक्स्ट ईयर के लिए अगले वर्ष के लिए हो जाएगा ये मूलधन प्रिंसिपल। इसलिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन प्रिंसिपल ये हो गया हमारा 440 रुपी, क्लियर। अब हम इस पर निकालेंगे दोबारा से 10% के हिसाब से 1 साल का, क्लियर कैसे हो जाएगा। इसीलिए दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज इक्वल टू वही लगा फॉर्मूला पी आर टी 100 इक्वल टू पी का मान हो गया हमारे यहाँ 440 रुपी इंटू आर है हमारा 10% और टाइम 1 ईयर अपॉन 100, इससे ये कट गया इक्वल टू 45 रुपी। ये हो गया हमारा दूसरे वर्ष के एंड में हमें देना पड़ेगा 40 रुपी ब्याज का। तो दूसरे वर्ष के एंड में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, इसीलिए
दूसरे वर्ष के अंत में दिया गया धन इक्वल टू कितना वापस करेगा, प्रिंसिपल था उसका 440 रुपीज और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 44 रुपीज, प्लस आएंगे इक्वल टू हो गया 484 रुपीज। कहने का मतलब 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है कितना होगा, तो 2 वर्ष के बाद जो अमाउंट बना देने वाला वो हो गया हमारा 484 रुपीज, ये पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज। लिखेंगे इसीलिए चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया हमारा 484 माइनस प्रिंसिपल है 400, फिर हो गया हमारा 84 रुपीज, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। यदि हम इसका निकालते डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो जाता SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, पी हो गया 400 रुपीज, आर हो गया 10%, टाइम हो गया 2 ईयर अपॉन 100, 0 0 कट जाएंगे हो गया 4 × 10 × 2 इक्वल टू 4 × 8 = 80 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 80 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 84 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, इसमें जो ब्याज लगेगा वो सीधा सीधा लगेगा, कहने का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है मूलधन है उसी के ऊपर लगेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। जैसे 1 वर्ष का ब्याज हमारा ये हो गया था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इस ब्याज को हमने मूलधन में प्लस कर दिया यहां, अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन प्रिंसिपल, फिर इस पर हमने दोबारा निकाला ये आया, इसको हमने फिर इसमें प्लस किया तब जाके ये आया। कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है और सिंपल इंटरेस्ट में हमें ब्याज को ब्याज नहीं देना पड़ता, ये सीधा सीधा होता है। क्लियर, ये अंतर है। तो ये तो हो गया हम सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये मेथड हो गया। यदि उसको डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इसके लिए होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे जब हमको अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, तो निकाल लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, यदि हमें अमाउंट नहीं दे रखा, हमें टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, इस कंडीशन में हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P × R × T/100, तब जाकर निकलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट, अमाउंट निकालने के बाद में तब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट का प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 × T। तो ये लगेगा फॉर्मूला अमाउंट निकालने के लिए, हमने अमाउंट निकाल लिया, अब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जो होगा CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, इसके लिए हम बनाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे हम सीधा सीधा निकाल सकते कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां क्या कर रहे हैं हम, यहां कर रहे हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, CI निकालने के लिए हमारा अमाउंट ये आ गया, इसके लिए हम ये लगा देंगे
पी ब्रैकेट में वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर टी माइनस ये पी कर दिया, क्लियर। यहां से पी कॉमन आ जाएगा, हमने पी कॉमन ले लिया, यहां से बचा हमारा ये वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर टी माइनस के वन। तो ये फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन करेंगे हम अभी एंड 100 की पावर टी माइनस के वन, ये बराबर थोड़ा मैंने अभी क्या मान लगा दो, पी के साथ लगाएंगे हम 400 रुपी, वन प्लस आर की जगह लगाएंगे हम आर के साथ पर 10 अपॉन 100, टी के साथ लगाएंगे हम 2 और माइनस 1 इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगी 400, इसका अपॉन 1 मान लेंगे, एलसीएम 10 आएगा तो क्या 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 400, ये हो गया 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1, इसका हमने हर एक मान लिया तो ये हो जाएगा 400, एलसीएम 100 आ गया तो हो गया 121 माइनस के 100 इक्वल टू 400 इंटू 121 माइनस 100 तो आएगा 21 अपॉन 100, 0 0 कट जाएंगे दोनों, ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 84 रुपी। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन है हमारा रूपी 25,600 पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है 25,600 रुपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो जाएगा 25% और टाइम हो गया टी 2 ईयर, क्लियर। इसका निकालना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, हो जाएगा सी आई इक्वल टू पी बड़े ब्रैकेट में और फिर छोटा ब्रैकेट लेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1, ये हो गया। और मान लगा देंगे इसका मान ये हमारा 25,600 1 प्लस आर का मान है 25% ईयरली, तो 25 अपॉन 100 की पावर टी, टी का मान 2 हो गया माइनस 1 इक्वल टू 25,600, काटेंगे इसको 25 बन जाए 25 और 25 फोर जा 100 हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 4 की होल पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 25,600, इसको करेंगे 4 बन जाए 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 4 की होल पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 25,600, इसका करेंगे हम स्क्वायर तो 5 का हो जाएगा 25 अपॉन 4 का हो जाएगा 16 माइनस 1, इसका हर 1 मान लेंगे एलसीएम 16 आएगा, ये हो जाएगा 25,600 25 माइनस 16 अपॉन 16, ये हो गया इक्वल टू 25,600 मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस 16 आएगा 9 अपॉन 16 और उसका करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 9 6 54 का 4 5 कैरी हो जाएगा 9 5 45 प्लस 5 50 5 कैरी हो जाएगा 9 2 18 18 प्लस 5 23 अपॉन 16 और डिवाइड करेंगे 2,30,400 को हमने डिवाइड किया 16 से तो आया 14,400, ये हो जाएगा 14,400 रुपी। ये हो गया हमारा सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट।
इसका मतलब 25,600 रुपए पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्र ब्याज हो गया हमारा 14,400 रुपए। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसका आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।